नमस्ते छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध झीरम घाटी नरसंहार में शहीद कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा का आज जन्मदिन है। यदि आज वो जिंदा होते तो 72 साल के होते। उनके जन्मदिन पर उन्हें पूरा छत्तीसगढ़ आज याद कर रहा है। उनके कामों को याद कर प्रदेश की जनता उनकी सराहना करते नहीं थकती है। सही मायने में कही तो वो जननायक थे। बस्तर टाइगर सलवा जुड़ुम के प्रणेता, नक्सलवाद के कट्टर विरोधी झीरम घाटी नरसंहार में शहीद हुए अपने वक्त के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले महेंद्र कर्मा का 5 अगस्त यानी कि आज जन्मदिन है। अपने जीवन के 63 साल में उन्होंने सियासत में जो हासिल किया, जिस ऊंचाई को छुआ, छत्तीसगढ़ में किसी नेता को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। महेंद्र कर्मा आदिवासी समाज से बस्तर क्षेत्र के एक दिग्गज नेता थे। बात करें महेंद्र कर्मा के जीवन परिचय की तो महेंद्र कर्मा का जन्म 5 अगस्त 1950 को दंतेवाड़ा जिला के दरबोड़ा कर्मा में हुआ था। उन्होंने 1969 में बस्तर हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। 1975 में दंतेश्वरी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके बड़े भाई लक्ष्मण कर्मा भी सांसद रहे हैं। इससे पहले नक्सलियों ने उनके भाई पोदिया राम की हत्या कर दी थी। इसके अलावा उनके 20 रिश्तेदारों को भी नक्सलियों ने मार डाला था। महेंद्र कर्मा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की थी। सीपीआई के टिकट पर 1980 में हुए आम चुनाव में कर्मा ने जीत हासिल की थी। बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अविभाजित बस्तर के जिला पंचायत के वो पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1996 के आम चुनाव में बस्तर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद बने। अजीत जोगी मंत्रिमंडल में उन्होंने उद्योग और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। हालांकि उन्हें जोगी के राजनीतिक विरोधी के रूप में जाना जाता था, 2003 में उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया। माओवादियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के कारण उन्हें उनके क्षेत्र में बस्तर टाइगर के रूप में जाना जाता था। अपने समय में महेंद्र कर्मा को छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी आंदोलन का सबसे मुखर समर्थक के तौर पर जाना जाता था। 1991 में महेंद्र कर्मा ने व्यापारियों के साथ मिलकर जन जागरण अभियान शुरू किया। कुछ समय बाद यह आंदोलन बंद हो गया। विपक्षी पार्टी होने के बावजूद उनके किए गए प्रयासों की तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने भी आलोचना नहीं की। माओवादियों के खिलाफ अभियान के कारण वो हमेशा से उनके निशाने पर रहे। इसी खतरे को देखते हुए उन्हें जेट प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। महेंद्र कर्मा जी की बात अगर आती है, नाम आता है, तो सबके जहन में सबसे पहले शायद सलवा जुडूम आता है। गूगल पे आप सर्च भी करोगे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। सलवा जुडूम को लेकर के अगर आप पढ़ेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्सट्रीम विचारधारा की आपको मिलेगी, जिस तरह से उनका विरोध जिस चीज़ों को लेकर के किया गया, लेकिन उसके पीछे महेंद्र कर्मा जी की जो सोच थी, उन्होंने किस तरह से जन जागरण अभियान 90 के दशक से किया था। कर्मा जी हमेशा आदिवासियों के हित की सोचे, हमेशा उनका सर्वोपरि रहता था आदिवासी हित, और इसलिए उन्होंने बस्तर के क्षेत्र के लिए एक बहुत एडवांस्ड एक्शन प्लान बनाया था। महेंद्र कर्मा ने भले ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अपनी सियासत की शुरुआत की थी, लेकिन नक्सलियों के निशाने पर कर्मा और उनका परिवार हर वक्त रहा। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नक्सलियों ने उनके एक भाई की नहीं बल्कि उनके 20 रिश्तेदारों की हत्या कर दी थी। वो नक्सलवाद को आदिवासियों के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। यही वजह है कि उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए पहले अभियान चलाया, नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुड़ुम जैसे आंदोलन की अगुवाई की, जिससे बस्तर इलाके में नक्सलियों को काफी नुकसान सहना पड़ा। नक्सली उनकी जान के दुश्मन बन गए। इसी का बदला लेने के लिए नक्सलियों ने झीरम घाटी में 25 मई 2013 को ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया जिसमें महेंद्र कर्मा समेत उस वक्त के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप नक्सलियों की कायराना हरकत और नक्सलियों में महेंद्र कर्मा के भय का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद महेंद्र कर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी मिली कि उनके शरीर पर नक्सलियों ने 78 वार किए थे और उनके शरीर में 65 गोलियां मिली थी। टीम न्यूज़ स्टेट।